हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हैशटैग #1। अब देखिए, बहुत से बच्चों की कंप्लेन आ रही थी कि सर हमें ये नहीं पता चलता कि हमने कौन सा पार्ट देख लिया कौन सा नहीं। तो आज से मैं #1, #2, #3 ऐसे पार्ट डालता रहूँगा, तो आप देख लिया करें कि कौन सा पार्ट आपने देख लिया और कौन सा नहीं देखा है। एक एक पार्ट देखते रहे, हर रोज़ हर एक पार्ट में अलग टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आज कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो दोस्त अभी तक हमारे चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके इस बेल आइकन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। और देखिए यार, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करें, लाइक का बटन जरूर दबाया करें। वीडियो का टाइमिंग बहुत से बच्चे पूछते हैं, 6 से 8 के बीच में डेली वीडियो मिलेगी आपको रीजनिंग की। एक भी दिन मिस नहीं होगा, किसी भी कंडीशन पे मिस नहीं होगा। सारी वीडियो देखना है आप, पार्ट का नाम भी मैं डाल दूंगा, #1, #2। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर लिखित सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दे। तो देखिए क्या लिखा है, ये सूचना पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो एक समूह में 5 व्यक्ति ए, बी, सी, डी तथा ई है। बी एवं सी अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है। फिर दूसरा लिखा है ए एवं सी गणित तथा अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है। बी तीसरा लिखा है बी एवं डी अंग्रेजी तथा राजनीतिक शास्त्र में बुद्धिमान है। और आपका फोर्थ लिखा है डी तथा ई राजनीतिक शास्त्र तथा भूगोल में बुद्धिमान है। और फिफ्थ लिखा है ई अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र तथा भूगोल में बुद्धिमान है। और क्वेश्चन फिर क्या पूछे गए, अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्र भूगोल में कौन बुद्धिमान है। और दूसरा पूछेगा अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्र तथा गणित में कौन बुद्धिमान है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत लंबा होता है और आज इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे चाहे टाइम ज़्यादा लगे। इस क्वेश्चन को मैं बाद में इसलिए नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि फिर बहुत से बच्चे एंड तक वीडियो को नहीं देखते, तो मैंने सोचा पहले ही इसको करा देता हूँ मैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, वो मैं सिखाऊंगा आपको कैसे बनानी। सबसे अच्छी शॉर्ट ट्रिक होती है इस क्वेश्चन को करने की, एक टेबल बनाओ फिर उससे आप इजीली चेक जो भी क्वेश्चन पूछ ले वो कर सकते हैं। देखिए अगर आप डेली वीडियो देखते हैं ना, तो कोई भी टाइप नहीं बचेगा रीजनिंग का, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सब टाइप कवर हो जाएंगे। चलिए तो इसकी टेबल कैसे बनानी है, सबसे पहले पहली लाइन पढ़ो, बी एवं सी अंग्रेजी तथा गणित में बुद्धिमान है। तो देखिए टेबल मैंने यहाँ पर बना रखी है, बी तथा सी अंग्रेजी में बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई ऐसे लिख लीजिए, और आगे अभी ये अभी सभी आपको नहीं लिखने हैं, जिसकी बात की जाए सबसे पहले बस उसको लिख लो। यहाँ पे बोला गया है बी और सी जो है वो अंग्रेजी और गणित में बुद्धिमान है, बी और सी। तो हमने ए बी सी तो सबसे पहले लिख लिया, तो अब अंग्रेजी और गणित लिखिए, अभी आगे के नहीं लिखने हमें। ठीक है, बस अंग्रेजी और गणित लिखिए, और जहाँ पे अंग्रेजी और गणित है वहाँ पे टिक लगा लीजिए, बी और सी अंग्रेजी में बुद्धिमान है और गणित में भी बुद्धिमान है। तो हमने ये टिक लगा लिया, अब यहाँ तक हमारा हो चुका है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही टिक लगाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड लिखा है आपका ए तथा सी गणित तथा अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है। तो जहाँ पर लिखा है ए और सी जो है वो गणित और अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है, तो ए कहाँ है गणित का, ये लगा देते हैं। ठीक है, और सी कहाँ है गणित का, ये लगा देते हैं। और ये अर्थशास्त्र में भी बुद्धिमान है, तो अर्थशास्त्र यहाँ पे लिख करके फिर नेक्स्ट इन दो पे भी टिक लगा दीजिए। जो जिसमें बुद्धिमान है सबसे पहले उसके सामने टिक लगाते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं। थर्ड लिखा है बी एवं डी अंग्रेजी तथा राजनीतिक शास्त्र में बुद्धिमान है। तो कहाँ पर है बी और डी, बी अंग्रेजी तथा राजनीतिक शास्त्र में बुद्धिमान है। तो आपका ये हो गया राजनीतिक शास्त्र, यहाँ पर लगा देंगे और ये आपका लग ही रहा है, और डी का भी अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में लगा देंगे। अंग्रेजी का यहाँ लग गया और अर्थशास्त्र में भी लगा देंगे इसका, सॉरी सी का, राजनीतिक शास्त्र में डी का भी लगा देंगे, ये यहाँ पे लग गया। ठीक है, अभी तक यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी लास्ट वाला जो बचा है उसको और पढ़ के देख लेते हैं। डी तथा ई राजनीतिक तथा भूगोल में बुद्धिमान है, ये थर्ड वाला है। फोर्थ वाला डी तथा ई राजनीतिक और भूगोल में, तो डी तथा ई कहाँ पर है, डी और एवं ई आपका ये है, और ये राजनीतिक तथा भूगोल में बुद्धिमान है। तो राजनीतिक आपका यहाँ पे हो गया और भूगोल यहाँ पे हो गया, ये लग गया। लास्ट वाला देख लेते हैं क्या लिखा है, फिफ्थ वाला ई अर्थशास्त्र राजनीतिक तथा भूगोल में बुद्धिमान है। ई जो है ये
अर्थशास्त्र, राजनीतिक तथा भूगोल में, तो इंग्लिश को छोड़ के सब में है, ठीक है, गणित को भी छोड़ के। ये देखिए, ई जो है इन तीनों में बुद्धिमान है। अब जो बच गए उन पे कट लगा लीजिए, ये पहले से मैंने कर रखा है ना, तो इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा, एक बार से खुद ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। जिसके जहाँ पे कुछ नहीं बोला गया उसके वहाँ पे कट लगा लीजिए। अब जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आप इजीली लगा सकते हैं उसका आंसर। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये वीडियो लंबी जरूर होती जा रही है पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब देखिए आप इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे। अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र तथा भूगोल में कौन बुद्धिमान है? तो देखते हैं टेबल में जा करके। अंग्रेजी देखिए आपका ये हो जाएगा, अंग्रेजी तथा राजनीतिक और भूगोल में कौन बुद्धिमान है, तो डी आपका हो जाएगा पहले का आंसर, ठीक है। बाकी अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और भूगोल में और तीनों में कोई ऐसा नहीं है जो कि इन तीनों में बुद्धिमान हो, आप देख लीजिएगा पूरा चेक करके, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या पूछा गया, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र तथा गणित में कौन बुद्धिमान है? अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और गणित, तो देख लीजिए इसमें कौन है आपका, पहले वाला तो नहीं है, बी देख लीजिए, बी लग रहा है मुझे, अंग्रेजी, राजनीतिक शास्त्र और गणित, देखिए इन तीनों में ये बुद्धिमान है बी, तो ये इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे वाले का। तो कितनी आसानी से कर पा रहे हैं, अगर आप टेबल नहीं बना पाते तो ये बहुत टाइम लग सकता था और आंसर गलत आने के भी चांसेस थे। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कौन सा गणित तथा अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है परंतु अंग्रेजी में बुद्धिमान नहीं है? बिल्कुल शुरू से देख लेते हैं। तो पहला देखिए, अंग्रेजी ए वाला जो है वो गणित अर्थशास्त्र में बुद्धिमान है पर इंग्लिश में नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी और ये कंडीशन किसी में नहीं लग रही है, अगर लग भी रही है जैसे इसमें हो गया पर इसमें भी ये आ गया, ठीक है, बाकी और किसी में ये वाली कंडीशन नहीं है, तो इसका तीसरे वाले का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो देखिए आप तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन गए हैं और ये समझिए आपके तीन आंसर तीन नंबर पक्के हो गए अगर आपके सामने एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और भी इस टाइप के क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये वाला, दिए गए विकल्प में विषम संख्या चुनिए। तो विषम संख्या अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो तीन किसी का किसका स्क्वायर होता है, तीन का, सॉरी नाइन किसका स्क्वायर होता है, तीन का, तो तीन तिया नौ, बाकी और कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी करा चुका हूँ, तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप इन्हें क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, एक बार खुद भी ट्राई करके जरूर देखा करें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से आपने ट्राई कर लिया होगा ऐसा करता हूँ कि वीडियो को रोक करके। किरण ने संयोग से कहा, नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री, ध्यान से पढ़िएगा, देखिए क्या बोला है, वह लड़का एक नीली कमीज वाले लड़के को बोला है किरण ने कि वह लड़का मेरे पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी यानी कि उसकी मम्मी हो गई, कि पुत्री यानी कि या तो वह खुद हो गई या फिर उसकी बहन हो गई, पुत्री के दो भाइयों से छोटा है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इतने वाली लाइन को क्या बोला है, पत्नी की पुत्री यानी कि या तो उसकी बहन होगी, किरण की बहन की होगी, अगर बहन नहीं होगी तो खुद ही किरण है यहाँ पे की पुत्री, क्योंकि पिता की पत्नी यानी कि उसकी मम्मी और उसकी मम्मी की पुत्री, तो या तो किरण होगी या फिर किरण की बहन के दो भाइयों से छोटा है, यानी कि जो वो लड़का है, जो ये लड़का है कि मेरे पिता, तो ये लड़का इसका भाई है, ठीक है। एक बार दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को, नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी, तो उसके अपने खुद के पापा के बारे में बात कर रही हो, की पत्नी यानी कि उसकी मम्मी की पुत्री, अगर उसकी दूसरी बहन है तो पुत्री वहाँ पे वो हो सकती है, या फिर वो खुद ही किरण पुत्री है कि दो भाइयों से छोटा है, यानी कि उसके जो दो किरण के दो भाई हैं उसमें उन दो से छोटा है ये लड़का, ठीक है। तो किरण से वह नीला कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंध है, तो वो भाई का रिलेशन है उसका, ठीक है, तो वो जो नीली कमीज वाला लड़का है वो किरण का भाई है, या तो किरण का भाई है, अगर किरण हर मतलब किरण की कोई सिस्टर है या बहन है, क्योंकि पत्नी की पुत्री यहाँ पे अब अगर दूसरी बहन है तो वो हो सकती है, अदरवाइज किरण ही यहाँ पे पुत्री है, तो वो लड़का इसका भाई है, तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि टॉम 48